दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूं। जैसा कि ये मुझे लोन का ऑफर आया हुआ है, यहां पर साफ साफ लिख के आ रहा है सबसे ऊपर, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए स्पेशल लोन ऑफर। मुझे यहां पर लोन का ऑफर दिया गया है और अमाउंट की बात करें तो यहां पर मुझे 10,000 रुपये का लोन अमाउंट दिया जा रहा है। और जैसे देखो, अगर मैं 10,000 रुपये का लोन लेना चाहता हूं तो जो मेरी मंथली ईएमआई बनेगी, जैसे मैंने 4 महीने की मैंने ईएमआई को सेलेक्ट किया हुआ, जैसे अगर मैं 4 महीने के लिए 10,000 रुपये का लोन को लेता हूं तो मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 2,706 रुपये की बनने वाली है। और अगर मैं 10,000 रुपये को 6 महीने में पेमेंट करता हूं, मैं 6 महीने के ईएमआई बनाता हूं तो मुझे यहां पर देख सकते 1,861 रुपये की मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली है। और अगर टोटल इंटरेस्ट फीस की यानी टोटल फीस की बात करें, जैसे मैं 10,000 रुपये को मैं लेता हूं 4 महीने के लिए, तो मेरी जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो 826 रुपये रहेगी। तो इस तरीके से मैं अगर चाहूं तो 10,000 रुपये का लोन ले सकता हूं और इसकी ईएमआई इतनी बनेगी। अगर मैं 10,000 को 4 महीने के लिए लूंगा तो मेरी टोटल प्रोसेसिंग फीस 826 रुपये बनने वाली है। और मुझे इस लोन को लेने के लिए सिंपल एक कंफर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सक्सेसफुली अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक कौन सा एप्लीकेशन है इससे आपको लोन कैसे मिलेगा, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एम पॉकेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यही वाला एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर करके दे देता है। इस एप्लीकेशन लोन लेने के लिए आपको सिंपली आपको 3 स्टेप को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि मैंने इसको ऊपर साइड में स्क्रॉल कर दिया तो अब साफ साफ लिख के देखो मेंशन किया गया कि अभी के टाइम पर इस एप्लीकेशन 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जिन एप्लीकेशन को, इस वाले को यूज करते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन को अभी के टाइम पर। और अगर रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन 4.4 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि बेस्ट एप्लीकेशन की कैटेगरी में आता है। इससे आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, यहां से आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो मैंने इसके आर्टिकल पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आपको इस एप्लीकेशन मैक्सिमम आपको 45,000 रुपये तक का लोन देखने को मिलता है। 45,000 तक का लोन आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हो। बात कर लेते हैं कि मुझे इस लोन को अप्लाई करना, अप्लाई कैसे करोगे, इस वीडियो पूरा देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना, उसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करोगे, अब मैं जो आपको स्टेप बताऊं मेरे साथ साथ करते रहना अपने मोबाइल फोन में, आपके सामने सेम टू सेम ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने परमिशंस मांगेंगे, तो आपको इस एप्लीकेशन सारी परमिशंस को दे देना है। उसके लिए नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, साफ साफ मेंशन किया है फिर से कि आप इस एप्लीकेशन से 45,000 तक का लोन इजीली यहां से ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करना है, इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देगा ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसका मतलब है आप इस एप्लीकेशन के अपडेट को व्हाट्सअप पर भी लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी को लगाना पड़ेगा एम पॉकेट एप्लीकेशन में। तो आप अपने मोबाइल में से कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन सी देना चाहते हो अपने हिसाब से आप एक सेलेक्ट कर लोगे। मैंने इसमें एक ईमेल आईडी को अटैच कर दिया, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, देख रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको अपने सेलेक्ट स्टेटस को आप अपने सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना, आप अभी क्या हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये सेलेक्ट करोगे, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो ये सेलेक्ट करोगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयड को। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना, आप जो हो अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पूछेगा आपके पास कोई रेफरल कोड हो तो वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कौन सा कोड डालना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, वो वाला कोड यहाँ पर डाल के आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट करो, मैंने हिंदी को कर लिया। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो, इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे करोगे वो बात को ध्यान समझना। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी को अपलोड करना है। कैसे करोगे, केवाईसी वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आए केवाईसी डिटेल। सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी लोन लेने के लिए। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसको वीडियो केवाईसी कर सकते हो, वो भी पैन कार्ड के माध्यम से
से आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो, कस्टमर से डायरेक्ट हो जाएगी, वो 10 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आप चाहें तो आप आधार के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन हो जाएगी सिर्फ 3 मिनट में। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है और उसमें जो मोबाइल नंबर लगा अगर वो आपके पास है तो आप इस पर क्लिक करोगे आधार वाले पे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपके सामने ये इंटरफेस आया, मेरी बात को ध्यान समझना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पर ओटीपी भेज जाएगा, ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पर, वो वाला ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दोगे, आपकी केवाईसी पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से सबसे पहले आपको केवाईसी को कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। आप इस पर क्लिक करोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आप जिसका लोन अप्लाई कर रहे हो मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो कि आपके पैन कार्ड पर डली हुई है, बिल्कुल सेम सेम डालनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इस पर हाईलाइट क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, वर्चुअल हो, मास्टर हो या प्रोफेशनल हो, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके फादर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम क्या है, ये आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ये डिटेल्स को फिल कर दोगे। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी, आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें लाइव समझा रहा हूँ। अब आपको अपनी मंथली इनकम को यहाँ पर डालना है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। जैसे मेरी मंथली इनकम है 15,000 रुपये, तो मैंने यहाँ 15,000 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको ये डालना है आपका काम कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसा है आपके। जैसे मैंने अपना पर्सनल बिजनेस में वो सेलेक्ट किया, मैंने अपना सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे यहाँ अपने हिसाब से डालना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है, जो भी आपके बिजनेस की डिटेल्स हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आया टेक ए सेल्फी, तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेल्फी को अपलोड करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे टेक ए सेल्फी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको क्या करना, कंप्लीट केवाईसी फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी को अपलोड कर देना। तो दोस्तों आपको वहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, उसके बाद एम पॉकेट की तरफ से आपके लिए जो भी ऑफर होगा, लोन आपको जितने अमाउंट का दिया जाएगा वो आपको होम पेज पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है और अपना ऑटो सेटअप को ऑन करना है। उसके बाद आपका जो भी लोन होगा सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, जो लोन आपको मिलेगा वो आपको होम पेज पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एम पॉकेट से लोन को अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।